यार रॉकी, क्या हुआ? क्या हुआ रैम्बो? कल मैं शाहरुख को टेनिस में हराकर जब क्लब से बाहर निकला तो सामने रोड पर क्या देखा? एक गोरिल्ला। गोरिल्ला? मुंबई की सड़कों पे, वो भी असली वाला? हाँ, अरे वाह, तेरी तरह बिल्कुल असली। मुझे लगा बेचारा अनजान लोगों के बीच डर रहा होगा अकेला, इसलिए उसका हाथ पकड़ा और उसे सीधा जू ले गया। अरे वाह रैम्बो, ये तो तूने बहुत अच्छा किया जो तू गोरिल्ला को जू ले गया। हाँ, उसे जू बहुत पसंद आया। कल जू देखा, आज हम दोनों म्यूजियम जा रहे हैं और फिर मैं रॉक स्टार देखूंगा। रॉक स्टार? फिर तो मैं भी चलूंगा। How was it? Awesome. It's a gift. Saman, it's not working here. क्यों? इस तरह की सिली कॉमेडी के दिन गए अब। लेकिन दानिश, नेक्स्ट सीजन के लिए मेरा फ्यूचर प्लान तो सुन लो। सेलिब्रिटी इंटरव्यूज, हर एपिसोड में किसी सुपरस्टार रॉकी और रैम्बो के साथ में बसती है ना? यस सर, और ये है सैंपल एपिसोड। समर, तुम्हें क्या लगता है फिल्म स्टार्स बच्चे हैं जो यहां पर आएंगे इन गुड्डे गुड़ियों के साथ खेलने के लिए? लुक, मैंने माइंड सेट कर लिया है, मैं ये शो बंद कर रहा हूं। लेकिन अंशुमन जी ने तो कहा था कि ये शो कभी। अंशुमन इज नाउ हिस्ट्री। अब इस चैनल का नया प्रोग्रामिंग हेड मैं हूं, और अगर मैंने फैसला किया है ये शो बंद हो रहा है तो ये शो बंद हो रहा है। But Danish, you can't do that with us. हमने इस प्रोग्राम में बहुत पैसे, बहुत इन्वेस्ट किया है। मीटिंग इज ओवर जेंटलमैन। आई थिंक अगर बहस करने से आप किसी नए शो पर काम करें तो ज्यादा बेहतर होगा जो कि लोगों को पसंद आए। ये पपेट शपेट्स का जमाना गया। But this is a hit show. People like this show. But I want a super hit show. पंकज, यस सर, आप इनके साथ बैठ करके इनका एग्जिट कॉन्ट्रैक्ट तैयार करिए जी, और अनुपमा के साथ मेरे कैबिन में आइए, मुझे इस शो के रिप्लेसमेंट के लिए डिस्कशन करना है, ओके? और हाँ, ये मेरे ऑफिस में भिजवा देना, ओके? नया शो, ब्लडी डॉग। मुझे अच्छे से पता है कि हमारे शो को कौन सा शो रिप्लेस करने वाला है। उसकी गर्लफ्रेंड मेघना सामंत का स्टूपिड टॉक शो। शिप्रा प्लीज। सब इसकी प्लानिंग है। एंड व्हाट शिप्रा प्लीज? मैं किसी के बाप से नहीं डरती। आई एम सॉरी समर, आई नो तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन मैं और पंकज क्या कर सकते हैं? वी कैन गो अगेंस्ट आवर बॉस। दो साल का कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, लेकिन एक ही झटके में सब कुछ खत्म हो गया। और मेरा क्या होगा? इस शो के बूते पे मैंने घर का दूसरा लोन भी लिया था। What will I do? Relax guys, कुछ सोचते हैं। रॉकी, डोंट वरी यार, मैं तब तक ये एग्जिट कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता हूँ। आप लोग कुछ चाय वाले हो गए? No, thanks. Thank you. अनु, can I please have a word with you? Coming. Thank you.
Hey, Meghna, darling, how are you? I'm fine, how are you? I have a great news for you. ये रॉकी और रेम्बो का जो शो है ना, इसका स्लॉट मैं तुम्हें दे रहा हूँ. Wow, really? Yes, 100%. I love you. तुम वादे के बड़े पक्के निकले. अब वो तो मैं हूँ. बस देखती जाओ. आने वाले दिनों में मैं तुम्हें कहाँ से कहाँ? Okay, I'll call you later. Hey, Rocky. Chill, man, chill. What happened? Look, I have a very good idea for you. तू ये टीवी शिवी का चक्कर बंद कर दे और शहर शहर में घूम करके ना स्टेज शो कर. उससे बहुत पैसे आते हैं. So, how is the idea? बचाओ, कोई है, बचाओ, दरवाजा खोलो. ये आवाज किसकी है? दानिश सर? बचाओ मुझे, बचाओ. दानिश सर, are you okay? रॉकी ने मेरे पेट में चाकू मार दिया है. रॉकी! दानिश सर, क्या रॉकी अंदर है? वो बाथरूम की खिड़की से भाग गया. क्या तुम्हारे पास डुप्लीकेट चाबी है? जल्दी खोलो. और पिछू दूध वाला आएगा ना, तो उससे 1 लीटर दूध लेकर गैस पर गरम करने का, फिर नीचू से गैस बंद कर देने का, फिर कटका फटका करके धोबी को कपड़ा घड़ी करके पोटला में बांध कर दे देने का. अभी मैं फोन रखती हूँ. मिस्टर बिल मौर्या, आपकी हिंदी सुनकर कोई नहीं कह सकता कि आप मिस्टर केडी पाठक की सेक्रेटरी हैं. क्यों, क्या गलत है मेरा हिंदी में? कुछ गलत नहीं है आपका हिंदी में. आपकी हिंदी व्याकरण में थोड़ी बहुत भूल सुधार की आवश्यकता है मिसेस बिलमोरिया. अरे मेरा अखा कॉलोनी में सब लोग ऐसा ही बात करता है. तो चलिए, आज के बाद इस दफ्तर में आप और मैं शुद्ध हिंदी का प्रयोग करेंगे, शुद्ध हिंदी में वार्तालाप करेंगे. किसका लाभ? रॉकी और रैम्बो वो शो देखा है मैंने रेड चैनल पर. समस्या क्या है? जी मैं ये कहूंगा कि रॉकी को रेड चैनल के प्रोग्रामिंग हेड मिस्टर दानिश की मौत के लिए गिरफ्तार किया गया है, पर उसका ये कहना कि वो बेकसूर है. जबर साहब आपका क्या कहना है? अब मैं क्या कहूंगा, एक दोस्त और एक प्रोड्यूसर होने के नाते मैं उसका संदेश आप तक लेकर आया हूँ. क्या आप उसका केस लड़ेंगे केडी जी? प्लीज केडी, रॉकी को बचा लो. मेरा अखा कॉलोनी का बच्चा लोग उसका फैंस है. फैंस को हिंदी में प्रशंसक. तो रॉकी के बारे में और क्या बता सकते हैं आप मुझे? मिस्टर पाठक. मिस देवयानी बोस, लॉ स्कूल की देवी. थैंक यू. व्हाट अ सरप्राइज टू सी यू हियर. एक्चुअली आई एम नॉट सरप्राइज्ड. एक हारा हुआ केस सिर्फ आप ही जीतने की कोशिश कर सकते हैं. देवी हमेशा की तरह तेज. आज भी केस प्रारंभ होने से पहले ही आपने निर्णय सुना दिया. वेरी गुड. एक्चुअली नॉट वेरी गुड, इट्स वेरी सिंपल. जब एक मरता हुआ आदमी खुद अपने मुंह से अपने कातिल का नाम बता दे, तो मुझे नहीं लगता कि बहस करने के लिए कुछ ज्यादा बचता है हमारे पास. अब आप आई हैं तो बहस तो होगी अदालत में. Sure. After. Thank you. See you there. Excuse me? Sir, ये मेघना सावंत है. दानिश नागरानी रॉकी का शो इसी को देने वाला था. Strong of you. जैसा मैंने दानिश सर को नहीं मारा है और मैं ऐसा कर ही नहीं सकता हूँ. प्लीज बिलीव मी. रियली मुझे एक बात समझाइए कि इस खंजर पर तुम्हारी उंगलियों के निशान कैसे आए? जैसा ये खंजर बोर्डरूम में गिर गया था, तो सिर्फ मैंने इसे उठा के उसके स्टैंड पर रखा था और उसके बाद मैंने इस खंजर को हाथ तक नहीं लगाया. लेकिन मिस्टर दानिश नागरानी जब बाथरूम गए थे, क्या ये सच नहीं है कि आप उनके पीछे पीछे वहां पर गए थे? मैं बाथरूम में जरूर गया था, लेकिन सिर्फ उनसे बात करने, ना कि उनका मर्डर करने. दानिश सर, Tell me. मेरा शो एक हिट शो है, तो आप उसे बंद क्यों कर रहे हैं? Why are you doing this? लौकी, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मुझे हिट शो नहीं, मुझे सुपर हिट शो चाहिए. सॉरी सर, आप मेरे करियर के साथ खेल रहे हैं और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा. लौकी, अपनी खाल में रहे, वरना अगले 10 सालों तक इस चैनल का मुंह भी नहीं देख पाओगे. दानिश, मैं तुझे देख लूंगा.
देख तो मैं भी तुझे लूंगा, लेकिन अफसोस टीवी में नहीं। वेट एंड वॉच। मिस्टर दानिश नागरानी की लाश पर तुम्हारी उंगलियों के निशान उस धमकी की वजह से थे, और तुम्हारा ये नीला रुमाल, इसे तुम वहां पर भूल कर गिराए थे। जी, मैंने दानिश सर का हाथ जरूर गुस्से में पकड़ा था, लेकिन उसके बाद मैं वहां से निकल गया था, और मैं नहीं जानता कि मेरा रुमाल वहां कैसे गिर गया। क्योंकि तुम्हारे हाथ में तुम्हारी कठपुतली रैम्बो था। I'm very surprised कि तुम उस कठपुतली को शौचालय में कैसे नहीं छोड़कर आए। जी नहीं, बल्कि मैंने तो रैम्बो को बाहर छोड़ दिया था टेबल पर, क्योंकि मेरे शो की क्रिएटिव डायरेक्टर शिप्रा उसे ले जाने वाली थी, क्योंकि उसे रैम्बो की ड्रेस रिपेयर करनी थी। मुझे नहीं पता कि रैम्बो उस बाथरूम में कैसे पहुंचा। इनफैक्ट कत्ल के 5 मिनट पहले मैं वहां से निकल गई थी। कहां चली गई थी? वो मेरी एक और मीटिंग थी। रैम्बो मेरे पास नहीं बल्कि रॉकी के पास था। शिप्रा! शायद रॉकी ने ही रैम्बो को उस बाथरूम में छोड़ा होगा। देखिए ये वो वाह, आप कहीं जाइएगा मत, मैं यूं गया और यूं आया। योर ऑनर, वो कठपुतली रैम्बो जिसे पुलिस ने मौका वारदात से मरहूम दिनेश जी की शरीर के पास पाया था, वो यहां साक्ष्य के रूप में मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा, कहां गया? थैंक यू केडी, मैं खुद इस विषय पर आने वाली थी। योर ऑनर, बदकिस्मती से वो कठपुतली मिसिंग है, किसी ने उसे गायब कर दिया। लेकिन मिस्टर दानिश की बॉडी के पास कुछ लिए हुए फोटोग्राफ्स हमारे पास है। गायब हो गया यार, रैम्बो गायब हो गया? केरी प्लीज, वो एक कठपुतली है, एक पपेट, कोई चश्मदीद गवाह नहीं जो इस कटघरे में आकर अपना बयान दे। ना ना ना, मैं जानता हूँ कि रैम्बो एक कठपुतली है, वो कठपुतली है जिसे पुलिस ने मरहूम दानिश नगरानी के मृत शरीर के पास पाया, वो कठपुतली है जिसके आधार पर आपने रॉकी उपनाम रणदीप सिन्हा के विरुद्ध ये केस खड़ा किया है। क्या ये संभव नहीं प्रोसिक्यूटर महोदया कि उसका गायब होना किसी षड्यंत्र का हिस्सा हो, एक साजिश हो? नहीं मिस्टर पाठक, ये कोई साजिश कोई षड्यंत्र नहीं। क्यों? ये सिर्फ गहमा गहमी में किया गया एक कत्ल है। मेरा मतलब उस वक्त मिस्टर रॉकी सिन्हा बहुत नाराज थे, और ये कत्ल उन्होंने उसी तैश में किया। नहीं, जैसा मैंने किसी को नहीं मारा, प्लीज बिलीव मी। आप प्लीज मेरे प्रोड्यूसर समर भाई से पूछ सकते हैं, उन्होंने मुझे बाथरूम से बाहर निकलते देखा था। प्लीज समर भाई कुछ बोलिए ना। जी, मैंने उसे बाहर जाते हुए नहीं देखा। क्योंकि मैं मोबाइल पर बिजी था। अगर वो कह रहा है कि वो बाहर आया तो शायद वो जरूर बाहर आया होगा। This is complete rubbish. रॉकी उस दरवाजे से अगर बाहर आया तो दानिश को अंदर से किसने लॉक किया था? और फिर दानिश की चिल्लाने की आवाज जो आप सबने सुनी, How do you explain that to me? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि दानिश जो है वो रॉकी का नाम पुकार रहा था, और मैं तो क्या, दूसरे लोग भी वहां पर मौजूद थे, अनुभव थी, पंकज था। मिस्टर अरोरा ने कहा कि सब ने आवाज सुनी, आपने सुनी? क्या सुना आपने? जी, वो कह रहे थे कि रॉकी मुझे मार देगा, मुझे बचा लो। यही कहा दानिश सर ने। यही कह रहे थे दानिश सर? और उस समय आप कहाँ थी माहौल में? जी, उस बाथरूम के दरवाजे के बाहर। बाथरूम के दरवाजे के बाहर? तो पंकज जी, क्या आपने भी शौचालय के द्वार के उस पार से केवल मरहूम दानिश नागरानी की ही आवाज सुनी, या रॉकी की आवाज भी सुनी थी? जी नहीं सर, वहां रॉकी की आवाज नहीं थी, सिर्फ दानिश सर की आवाज थी, और एकदम से वो बहुत जोर से चीखे, रॉकी ने मेरी पीठ में खंजर मार दिया है। और जैसे हम लोग दरवाजा खोलकर अंदर घुसे तो योर ऑनर, मिस्टर दानिश नागरानी की लाश जमीन पर, उनकी छाती में वो खंजर घुसा हुआ, उनके हाथ में रॉकी का नीला रुमाल, और एक खुली खिड़की जिसका इस्तेमाल रॉकी ने किया वहां से भागने के लिए। आपके इस
वर्णन के लिए आपका आभार मानता हूँ प्रोसिक्यूटर महोदय। क्यों आपको इतना विश्वास है कि रॉकी उस खिड़की के माध्यम से ही मार गए थे? क्योंकि मिस्टर पाठक, उस बाथरूम से निकलने का और कोई रास्ता नहीं, यानी कि और कोई दरवाजा नहीं, तो बचती है सिर्फ एक खिड़की। योर ऑनर, मैं प्रोसिक्यूटर महोदया की इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। उस शौचालय के मुख्य द्वार के अलावा वहां से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, वो खिड़की। और मेरे सहायक वरुण उस शौचालय का निरीक्षण करने गए थे। योर ऑनर, वो शौचालय और वो खिड़की उस कार्यालय की पहली मंजिल पर है। खिड़की के बाहर ड्रेनेज पाइप्स लगे हुए हैं जो जमीन की तरफ जाते हैं, और नीचे फूलों का एक बागीचा है जहां दोपहर 1 बजे रोज पानी डाला जाता है। हत्या का समय 2:15। स्पष्ट बात है योर ऑनर कि उस समय मिट्टी गीली रही होगी। अगर मेरे मुवक्किल रॉकी उस खिड़की द्वारा बाहर गए होते तो नीचे उतरने का एक ही तरीका है, ड्रेनेज पाइप्स। लेकिन उन ड्रेनेज पाइप्स पर उनके वहां से उतरने का कोई निशान नहीं था, ना ही उस गीली मिट्टी पर उनके पांव के निशान पाए गए। मेरी इस बात को प्रमाणित करने के लिए मेरे पास कुछ तस्वीरें हैं जिनसे ये पूरी तरह सिद्ध हो जाता है कि उस दिन उस शौचालय की खिड़की से मेरे मुवक्किल रॉकी तो क्या कोई भी नहीं उतरा। रियली केडी, तो फिर रॉकी बाथरूम से निकला कैसे? सरल तरीके से, मुख्य द्वार, मेन डोर। कमाल कर दिया, ये तो कमाल ही कर दिया आपने। उसका मतलब आपके कहने के अनुसार रॉकी ने कत्ल किया ही नहीं? बिल्कुल नहीं। तो मिस्टर दानिश नागरानी ने मरते समय जो रॉकी के लिए कहा कि रॉकी मेरी जान लेने की कोशिश कर रहा है, वो झूठा है? मतलब मिस्टर नागरानी ने खुद को खंजर मारा और सारा ब्लेम मिस्टर रॉकी पर डाल दिया? आई डोंट नो रियली योर ऑनर। मरहूम दानिश नागरानी के अपने हमलावर को, अपने हथियारे को रॉकी नाम से पुकारना, ये बात सत्य है या मिथ्या, इस समय इसकी पुष्टि करना जरा कठिन है। लेकिन मेरे लिए इस बात की पुष्टि करना बहुत सरल है कि मेरे मुवक्किल रॉकी उस दिन उस शौचालय में थे ही नहीं। ये केस छोड़ दो वरना किसी को दुनिया छोड़नी पड़ेगी। लव, रैम्बो। केडी, क्या हुआ? क्षमा चाहता हूं यार, कुछ नहीं। रॉकी, जरा अदालत को कृपया कर बताएं कि आप उस शौचालय में थे या नहीं। नहीं सर, मैं उस बाथरूम में नहीं था, बिल्डिंग की लॉबी में था। और जैसा मैं किसी खिड़की से नहीं बल्कि सीढ़ियों से नीचे आया था। और हमारी बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे नीचे उतरते हुए देखा और मेरे साथ फोटो भी खिंचवाई। आप प्लीज उसे बुला के पूछ सकते हैं। जी साहब, रॉकी साहब सीढ़ियों से नीचे आए थे। हमारा बच्चे लोग आए ना, रॉकी साहब को बहुत बड़ा फैन है, इसलिए उनका शो ध्यान से देखते हैं। हम रॉकी साहब से इसलिए मिले कि उनसे ऑटोग्राफ ले और फोटो ले सके। एक मिनट सर, ऑटोग्राफ ले सर। सर आप, मेरा बच्चे लोग आपको बहुत बड़ा फैन है साहब जी, एक फोटो भी हो जाए उनका दिखाऊंगा तो बहुत खुश हो जाएंगे, प्लीज सर। तो ये बताइए तेज बहादुर जी कि घड़ी में क्या समय हो रहा था? टाइम मालूम नहीं साहब जी। चलिए कोई बात नहीं, ये बताइए कि आपने वो तस्वीर कैमरा से ली थी या अपने मोबाइल फोन से, कैसे ली थी तस्वीर? वो अपना सेल फोन पे खींचा था ना। तो है अभी आपके पास? जी जी, वो चित्र भी होगा। जी जी, आप कृपया कर बताएंगे मुझे? जी, एक मिनट सर, ये देखिए आ गया। क्या बात है तेज बहादुर जी, बहुत ही आकर्षक चित्र। जी, और चित्र से अधिक आकर्षक योर ऑनर, चित्र के लिए जाने का समय। इस मुकदमे के हर साक्षी ने अपने कथन में हमें बताया कि हत्या 2:15 पर की गई थी, और इस चित्र के लिए जाने का समय योर ऑनर 2:11 है। हत्या के सिर्फ 4 मिनट।
क्वाइट प्लीज, यू मे प्रोसीड। अब आप ही बताइए योर ऑनर कि ये कैसे संभव है कि मेरे मुवक्किल रॉकी 2:11 पर रेड चैनल की लॉबी में अपने सुरक्षा कर्मी के साथ तस्वीर खिंचवा रहे थे और 4 मिनट बाद पहले माले के शौचालय पर मिस्टर नागरानी पर हमला कर रहे थे। हाउ इज इट पॉसिबल योर ऑनर? योर ऑनर, मैं केरी से ये पूछना चाहूंगी कि मरते वक्त मिस्टर नागरानी ने रॉकी का नाम ही क्यों लिया? वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन मिस बोस। थैंक यू मिस। लेकिन आपका ये प्रश्न इस कथा के दूसरे भाग का है। पहला भाग यही समाप्त होता है योर ऑनर कि मेरा मुवक्किल रॉकी निर्दोष है, ये हत्या इन्होंने नहीं की। यह अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। सब ये टिश्यू आपके फाइल में आया कहां से? हाँ, मेरे को पता है। 5 मिनट के लिए कोर्ट का लॉयर्स लाइब्रेरी में ये फाइल ना अकेला छोड़ दिया था। उसी टाइम पे किसी ने काला कांडी किया होगा। लॉयर्स लाइब्रेरी में? इसका अर्थ यह हुआ कि हत्यारा अदालत में उपस्थित था। और सब इस टिश्यू पर रैम्बो का नाम क्यों लिखा है? वो तो महज एक कठपुतली है। हाँ, लेकिन इस कठपुतली की डोर किसी न किसी के हाथों में तो होगी, और जहां तक मेरा अनुमान है किसी महिला के हाथ में। पहचाना होगा, स्ट्रॉन्ग लेडीज परफ्यूम, ठीक उसी तरह का जिस तरह का परफ्यूम उस दिन मेघा सामंत ने लगाया था। वरुण जरा अब मेघना जी का नंबर ढूंढ, बात करते। राइट, क्या हुआ? सर द फोन इज रिंगिंग। हेलो मेघना जी, केडी पाठक बोल रहा हूँ मैं आपसे। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। काट दिया। पहले इतना प्यारा प्रेम पत्र लिखती है और फिर फोन काट देती है। सर ये बॉक्स कोई ऑफिस के बाहर छोड़ के गया है, इस पे कोई नाम पता नहीं है। वरुण देख जरा। थैंक यू सर। डीवीडी प्लेयर है। सर इसमें सीडी भी है, चलाओ। चला सर। पपेट को वही व्यक्ति चला रहा है जो नहीं चाहता कि मैं यह केस लड़ूं। किन्ना, मेघना सामंत को धमकी देने का अर्थ? सर आई होप ये गंदा मजाक है। मजाक कभी कभी संजीदा हो जाता है। हेलो मेघना जी, मैं केडी पाठक बोल रहा हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपकी जान खतरे में। जान तो तुम्हारी मुवक्किल के खतरे में है। रॉकी ने दानिश को मारकर मेरा बहुत बड़ा नुकसान किया है। मेघना जी मेरी बात सुनिए, किसी ने आपको धमकी दी है? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। Get lost and go to hell. मेघना जी, Good God. बीप की आवाज कहां से आ रही?
मेरा रैम्बो? उसने सीडी पे कहा कि मेघना की मौत, पर ये कैसे हो सकता है? ये तो तुम ही बताओगे। अच्छा ये बताओ कि क्या कोई और इंसान है जो उतनी ही खूबी से रैम्बो को चला सकता है जितना कि तुम? हाँ, मेरे अलावा एक इंसान और है, शिप्रा। क्योंकि शिप्रा ने रैम्बो का पपेट डिजाइन किया था, और तो और मेरी तरह वो भी एक वेंट्रिलोक्विस्ट है। वो भी बिना होठ हिलाए अपनी आवाज को इधर से उधर पहुंचा सकती है। शिप्रा पर मुझे पहले से ही संदेह था। तुम्हारी बेगुनाही तो लगभग साबित हो गई है, बस अब अदालत में शिप्रा का गुनाह साबित करना बाकी है, जो मैं कल कर दूंगा। योर ऑनर, पहले ये पत्र और उसके बाद वो डीवीडी जिसमें रैम्बो के माध्यम से उसने मुझे धमकाया और फिर कहे अनुसार मेघना सामंत की हत्या कर। योर ऑनर, स्वर्गवासीय दानिश नागरानी का हत्यारा न केवल खुलेआम घूम रहा है, बल्कि उसने अपने इस हत्या के सिलसिले को जारी भी रखा है। ग्रेट। आपके अनुसार मेघना सामंत की मौत और मिस्टर नागरानी का कत्ल, इसके पीछे एक ही इंसान है, राइट? वैसे मैं आपसे ये बताना चाहूंगी केडी, कि जिस दिन मेघना का एक्सीडेंट हुआ उस दिन इस शहर में 4 और लोग मरे अलग अलग कार एक्सीडेंट्स में, तो इस हिसाब से तो उनका भी कनेक्शन होना चाहिए इस केस से, है ना? योर ऑनर, उस व्यक्ति ने मुझे स्पष्ट रूप से कहा था कि मेघना सामंत उसकी अगली शिकार है। मिस्टर पाठक, दिस इज इनक्रेडिबल। आपसे कठपुतली ने आकर ये कहा कि अब वो मर्डर्स करने वाला है। अगर आपके पास इन बचकानी बातों को प्रूफ करने के लिए कोई सबूत ना हो तो इन्हें दोहरा कर और बड़ा बचपना मत कीजिए। यही सुनना चाहता था वो, और यही वो चाहता था कि सबकी सोच भी ऐसी हो। इसीलिए योर ऑनर, उसने उस डीवीडी प्लेयर में बम फिट किया ताकि मेरी बात का और उसके अस्तित्व का कोई आधार ना रहे। योर ऑनर, मैं उस कठपुतली को नहीं, उस व्यक्ति को खोज रहा हूं जिसके हाथ में उस कठपुतली की डोर है, जिसे इस समय अदालत में होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्यवश पुलिस के पहुंचने से पहले वो वहां से फरार हो गया। तुम किसकी बात कर रहे हो केडी? योर ऑनर, रॉकी और रैम्बो शो के सृजनात्मक संचालक और रचयिता मिस शिप्रा देसाई की बात कर रहा हूं मैं। उनका दानिश जी की हत्या से क्या लेना देना है? मैं चाहता हूं कि इस शो के निर्माता मिस्टर समर अरोरा कटघरे में आकर हमको बताए। इजाजत है जी। मैं और शिप्रा रेड चैनल एक साथ जाने वाले थे, लेकिन मुझे बगैर बताए वो पता नहीं कहाँ चली गई, पहले निकल गई। शुरू से ही शिप्रा जो है वो गरम दिमाग की लड़की है, बात बात पर उसे बहुत गुस्सा आता है, बहुत रेस्टलेस है, और रॉकी को तो बहुत गुस्सा करती है। तो क्या आपको लगता है कि इस क्रोध के चलते वो किसी की हत्या भी कर सकती थी? जी मैं कत्ल के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, हम सभी लोग शिप्रा को बहुत सनकी समझते थे। और जज साहब, अगर सोचा जाए तो उस दिन सिर्फ 2 लोग वहां मौजूद नहीं थे, एक रॉकी और दूसरी शिप्रा। तो क्या यह संभव नहीं कि शिप्रा ने ही स्वर्गीय दानिश जी की हत्या की हो? शायद उन्हीं की घनिष्ठ मित्र रेड चैनल में आपकी सहयोगी निर्माता अनुपमा दत्ता इस बात पर रोशनी डाल सकती है। अनुपमा जी, उस दिन मीटिंग के तुरंत बाद शिप्रा जी ने आपको अलग ले जाकर एक गुप्त बात बताई थी, कृपया कर अदालत को बताइए कि वो बात क्या थी। जी एक्चुअली वो उस दिन मुझसे कह रही थी कि हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है, जो मैं कह रही हूँ उसे सीक्रेट ही रखना। रॉकी और रैम्बो का ये शो इस चैनल से नहीं हटने वाला, ये बात तो पक्की है 100%। लेकिन दानिश सर के होते हुए ये दानिश को कैसे संभालना है ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तू बस मेरा एक काम कर दे। क्या? एग्जिट कॉन्ट्रैक्ट जितना डिले करवा सकती है प्लीज करवा दे,
लेकिन यार प्लीज इट्स अ फेवर. थैंक्स. और फिर शिप्रा वहां से दानिश सर के कैबिन की तरफ चली गई. मुझे तो शक है कि जिस गुस्से में वो थी दानिश सर की जान उसी ने ली होगी. तो अनुपमा जी आपने ये बात इस मामले की पहली सुनवाई में क्यों नहीं कही? सर 10 साल की पुरानी दोस्त पर अचानक से कत्ल का इल्जाम लगाना आसान काम नहीं है सर. अच्छा तो शिप्रा मेंस टॉयलेट में गई और उन्होंने जाकर दरवाजे को अंदर से लॉक किया और फिर दानिश का कत्ल कर दिया. तो लॉजिकली देखा जाए तो दानिश को मरते समय शिप्रा का नाम लेना चाहिए था. उसने रॉकी का नाम क्यों लिया? मैं जानता था प्रोसिक्यूटर महोदया कि आपका यही प्रश्न होगा और उम्मीद थी मुझे योर ऑनर कि शिप्रा स्वयं इस प्रश्न का उत्तर देती, किंतु दुर्भाग्यवश बुला पता है और उसकी अदालत में अनुपस्थिति उसके अपराध का चिन्ह है. योर ऑनर यू आर राइट केडी. मिस शिप्रा का अचानक इस तरह गायब होना विचित्र. एक्सक्यूज मी केडी साहब. वरुण अदालत है सब. इंपॉर्टेंट मैसेज है सर. क्षमा योर ऑनर. क्या है वरुण? सर आपके फादर के बारे में मैसेज है. ऑल ओके केडी. योर ऑनर मे आई अप्रोच द बेंच? यस. अभी अभी एक अज्ञात नंबर से संदेश आया है कि मेरे पिताजी का स्वास्थ्य गंभीर स्थिति में है. हो आप अनुमति दें तो मैं. ऐसा है तो प्लीज गो अहेड. थैंक यू योर ऑनर. यह अदालत 20 मिनट की रिसेस लेती है. हेलो. मेघना मरी लेकिन फिर भी तुम पीछे नहीं हटे. कोई
सब अब क्या करें? सर मैं पुलिस को फोन करता हूँ। नहीं मालूम, पुलिस को इत्तला की तो वो शिप्रा को मार देगा। तो फिर क्या करें केडी? कोई दूसरा रास्ता नहीं, मुझे ये केस हारना होगा। सब अगर आप केस हार गए तो रॉकी को उम्र कैद हो जाए या फिर फांसी। तुम हार गए तो वो मर सकता है। जानता हूं मैं, कैसी दुविधा है, एक बेगुनाह को बचाने के लिए दूसरे बेगुनाह की कुर्बानी। एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई। ओके केडी। जी धन्यवाद। कुछ रुकावट के लिए क्षमा चाहता हूं योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो केस को आगे बढ़ाएं। यू मे प्रोसीड। योर ऑनर, मेरा मानना है कि स्वर्गीय दिनेश नागरानी की हत्या शिप्रा देसाई ने की है, क्योंकि उस दिन शौचालय की उस खिड़की से रॉकी नहीं शिप्रा देसाई भागी थी। अच्छा, पर जहां तक मुझे याद है मिस्टर पाठक, आपने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि उस बाथरूम से कोई नहीं भागा था, उस ड्रेन पाइप पर किसी की उंगलियों के निशान नहीं थे और नीचे की जो गीली मिट्टी थी वहां पर भी कोई इम्प्रिंट नहीं था, करेक्ट? हाँ, यही कहा था मैंने। लेकिन योर ऑनर, इस बात पर दोबारा विचार विमर्श करने के बाद मुझे लगता है कि शिप्रा देसाई ने कोई और उपाय किया होगा उस खिड़की से भागने का। और इसकी पुष्टि करने के लिए मैं अपने सहायक वरुण को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। वरुण, तुमने अदालत को बताया था कि उस खिड़की से नीचे तक आने का रास्ता सिर्फ वो पाइप है, राइट सर? और कुछ नहीं? नहीं सर, और कुछ नहीं। वरुण जरा सोच के बताओ, कोई तार, कोई रस्सी जिसकी मदद से शिप्रा नीचे तक उतर पाई हो? नो सर। कोई केबल, कोई कुछ भी? जी सर, सब मोटा सा केबल था जो उस खिड़की से उसी बिल्डिंग की लॉबी की ऊपर वाली छत तक जा रहा था सर। तो ये संभव है कि शिप्रा देसाई ने उस केबल की मदद लेकर लॉबी के ऊपर वाली छत पर पहुंचकर फिर सीढ़ियों द्वारा लॉबी के बाहर गई? राइट। तो ये काम तो रॉकी भी कर सकता है, क्योंकि उस केबल से फरार शिप्रा नहीं बल्कि रॉकी हुआ था और इसीलिए वहां पर कोई निशान नहीं थे। लेकिन सर, मैं तो कदल से पहले लॉबी में था, तो इस तरीके से मेरे बाथरूम में होना इम्पॉसिबल है, और आप ये बात प्रूव कर चुके हैं। सर प्लीज हेल्प मी। हाँ, मैं ये बात साबित कर चुका हूँ योर ऑनर। लेकिन क्यों मुझे लग रहा है कि मैंने सुरक्षाकर्मी तेज बहादुर जी के फोन पर शिप्रा की भी तस्वीर देखी थी? योर ऑनर, मैं एक बार तेज बहादुर सिंह जी को बुलाना चाहूंगा। इजाजत। नहीं साहब जी, उस मैडम का हम फोटो लिए ही नहीं, कसम से। तेज बहादुर सिंह जी, मुझे क्यों लग रहा है कि मैंने उनकी तस्वीर आपके मोबाइल फोन पर देखी है? आपके पास वो फोन है? जरा बताइए जल्दी। जी जी, ये लीजिए। केडी, शिप्रा की तस्वीर इस मोबाइल में ढूंढकर तुम क्या साबित करना चाहते हो? अभी बताता हूँ योर ऑनर। क्षमा चाहता हूँ योर ऑनर, इसमें तो शिप्रा की कोई तस्वीर नहीं। मैं यही तो बोल रहा हूँ साहब जी, जब फोटो लिए ही नहीं तो कैसे मिलेगा ये? आप फोन पर समय ठीक है? जी सर। 3:05? जी सर। जस्ट अ मोमेंट, क्या मैं ये फोन देख सकती हूँ? थैंक यू योर ऑनर। सिक्योरिटी गार्ड तेज बहादुर के मोबाइल फोन पर जो घड़ी है उसका समय गलत है, वो पूरे 20 मिनट पीछे है। और इसका क्या मतलब है ये हम सब समझते हैं। क्या प्रोसिक्यूटर महोदया, क्या कहना चाहती हैं आप? क्या मतलब है आपका? मतलब ये मिस्टर पाठक कि तेज बहादुर के मोबाइल फोन पर जो क्लॉक है वो 20 मिनट पीछे है।
तो कहने का तात्पर्य यह है कि तेज बहादुर जी ने मिस्टर रॉकी सिन्हा के साथ जब तस्वीर खिंचवाई तो वो कत्ल से 4 मिनट पहले नहीं बल्कि कत्ल से 16 मिनट बाद की तरफ। ऑर्डर ऑर्डर। थैंक यू मिस्टर पाठक, आपने अनजाने में मेरा काम और आसान कर दिया। नाउ द पिक्चर इज वेरी क्लियर मिलॉर्ड। रॉकी सिन्हा ने दानिश को उस खंजर से मारा, बाथरूम की उस छोटी सी खिड़की से एक टेबल की मदद से वो टेरेस के ऊपर गए, टेरेस जो कि ऑफिस की लॉबी के ऊपर है वहां से उन्होंने सीढ़ियां ली और सीढ़ियों से वो नीचे आए और नीचे आने के बाद उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड तेज बहादुर के साथ मोबाइल पर वो फोटोग्राफ खींची। यदि ऐसा है केडी तो अब तक की गई तुम्हारी पूरी दलील बेकार। रॉकी पर गहरा शक दोबारा आ जाता है। सर प्लीज बिलीव मी, मैंने दानिश सर को नहीं मारा सर। सर मैं ऐसा कर ही नहीं सकता सर। प्लीज सर, केडी सर प्लीज हेल्प मी सर। मेरे प्लीज। सिर्फ 25 मिनट है तुम्हारे पास। केस हारो शिप्रा आजाद, केस जीते तो शिप्रा जिंदगी से आजाद। प्लीज केडी सर, ऐसा मत कीजिए। ये लोग मुझे फांसी चढ़ा देंगे। मेरे तो छोटे भाई बहन है, मेरे पूरे परिवार की जिम्मेदारी है मुझ पे। प्लीज आप हिम्मत मत हारिए, मैं मर जाऊंगा। प्लीज बिलीव मी केडी सर। सोच क्या रहे हो, जल्दी जाओ। 25 से 24 मिनट काउंटडाउन शुरू हो चुका है। केडी पाठक, तुम्हारी जिंदगी की पहली हार का। योर ऑनर, मिस्टर रॉकी सिन्हा ने मिस्टर दानिश नागरानी का कत्ल किया। डिफेंस की खामोशी इस बात का सबूत है। डू यू अग्री विद मी मिस्टर पाठक? मिस्टर पाठक, डू यू अग्री विद मी? तमाम सबूतों और बयानात को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि मुलजिम रॉकी उर्फ रणदीप सिन्हा ने दानिश नागरानी का बहुत ही बेरहमी से कत्ल किया है। इस संगीन कत्ल के जुर्म में यह अदालत रणदीप सिन्हा को दफा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाती है। टू बी हैंग्ड अंटिल डेथ। Case is closed. Mind blowing. आपकी पहली शिकस्त मेरे हाथ।
ये आपकी हार नहीं है सर। रॉकी को आप अभी बचा सकते हैं हाई कोर्ट में अपील करके, लेकिन शिप्रा को बचाने के लिए आपके पास वही कुछ मिनट थे और आप उसे बचाने में कामयाब भी हुए, और ये किसी जीत से कम नहीं सर। वरुण, तुझे पूरा विश्वास है कि मेरे केस हार जाने के बावजूद उसने शिप्रा को मारा नहीं होगा? लेकिन उसने तो कहा था कि उसे जाने देगा। किसने कहा था? एक हत्यारे ने। जब तक शिप्रा की सलामती की खबर नहीं आ जाती, तब तक ये मेरे लिए मेरे जीवन की सबसे बड़ी हार है। मुझे नहीं पता कि किसने मुझे अगवा किया। मैं कार स्टार्ट ही करने वाली थी कि किसी ने पीछे से मेरा मुंह दबोच लिया और मुझे बेहोश कर दिया। जब मुझे होश आया तो मैं कुर्सी से बंधी हुई थी। मेरे आंखों पर और मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी और मेरे बदन पे कुछ लगा हुआ था जो घड़ी की तरह टिकटॉक टिकटॉक आवाज कर रहा था। घबराओ मत शिप्रा, तुम्हें कुछ नहीं होगा अगर केडी पाठक ने चाहा तो। तो उसने आपके साथ केवल रैम्बो की आवाज में बात की, अपनी आवाज में नहीं? जी सर, मेरे आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी तो मैं उसकी शक्ल भी नहीं देख पाई। पहले तो मुझे ये लगा कि वो मुझे मार डालेगा, लेकिन फिर उसने वो वीडियो बनाया और कहा कि वो आपको वो वीडियो भेजने वाला है। फिर उसने मुझे फिर बेहोश कर दिया और फिर जब होश आया तो मैं उन झाड़ियों में थी। शिप्रा, किस पर संदेह है तुम्हें? सर, जब मैं वहां थी तो उसको एक फोन आया था और उसके फोन का रिंगटोन बिल्कुल वैसा था जैसा मेरे बॉस समर अरोरा का है। समर अरोरा आपका प्रोड्यूसर? हाँ सर, मैं काफी सालों से समर अरोरा के साथ काम कर रही हूँ और वो जो डियो लगाते हैं मैं बहुत अच्छी तरह से पहचानती हूँ। और अपहरणकर्ता ने भी वही डियो लगाया था? जी सर, मुझे पूरा यकीन है कि समर ने ही मेरा किडनैप किया था और उसी ने रॉकी को फंसाया है और उसी ने मेघना सावंत को मारा होगा। एक बात बताइए, तुम्हें कैसे पता कि दानिश नागरानी की मौत और मेघना की मौत के बीच कोई तालमेल है? क्योंकि जब अदालत में मैंने ये बात कही थी तुम तो वहां थी नहीं। वो दानिश और मेघना एक कपल थे सर, और उन दोनों का एक के बाद एक इस तरह से मरना, कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर होगा ना सर। आप प्लीज रॉकी को बचा लीजिए। हाँ, आप बच गई हैं तो रॉकी भी बच जाएगा। एक बात बताओ शिप्रा, तुम सबसे पहले मेरे पास क्यों आई, पुलिस के पास क्यों नहीं गई? सर, इस केस में पुलिस रॉकी के खिलाफ है, लेकिन आप नहीं, आप ही हैं जो रॉकी को बचा सकते हैं उस समर अरोरा को पकड़वा कर। इसलिए सीधे मैं आप ही के पास आई आपकी मदद करने। वरुण, किसी ने शिप्रा का अपहरण होते देखा तो नहीं? क्या वास्तव में उसका अपहरण हुआ था या मुझे राह भटकाने के लिए वो ये खेल खेल रही है? क्या लगता है तुझे? सर, जो भी हो, किडनैप या नॉट, ये हम अदालत में साबित करेंगे। अब तो शिप्रा सुरक्षित लौट कर आ गई है ना, अब हम रैम्बो का डीवीडी पुलिस को दे सकते हैं। सर, अभी हमें किसी का डर नहीं। हाँ केडी, सबको पता चलना चाहिए कि तुमने ये केस मजबूरी में हारा। नहीं मिसेस बिलगोरिया, ये उचित समय नहीं है। अभी भी हत्यारे को यही लगना चाहिए कि उसी का पलड़ा भारी है। तू एक काम कर वरुण, समर अरोरा के घर जा। इसकी क्या जरूरत है? और रख यार। थैंक्स। देखा समर, ऊपर वाला कभी किसी के साथ गलत नहीं करता। वो एक दरवाजा बंद करता है तो कई नए दरवाजे खोल देता है।
अब देखो, इनका एक शो बंद हुआ था तो 3 नए शो स्टार्ट हो गए। यू आर लकी समर। आई एम नॉट लकी, आई एम वेरी वेरी लकी। अरे भाई, ये जो कुछ भी हुआ है ना, आपके नए प्रोग्रामिंग हेड की बदौलत हुआ है। ये मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा। थैंक यू समर, लेकिन आई होप ये तो सिर्फ शगुन हो। देख लेना, अगर तुम ऐसे ही तोहफे देते रहे ना, तो देखना मैं तुम्हारे शो को कहां से कहां लेके जाती हूँ। सालों साल चलाऊंगी। I think we have to move now. हेलो, आते रहना। गम इस कदर बड़े। हे रॉकी रैम्बो, आई मिस यू। ये तो खत्म हो गई। इसमें भी कुछ नहीं, नहीं रहता हूं। ठुकरा रहा था मुझको बड़ी देर से। ये जा क्या कर रहे हो? बोलो। तुमने दानिश को मारा, ये रैम्बो यहां और ये वीडियो कैमरा, इसी से वीडियो बनाते थे ना तुम? क्या बकवास कर रहे हो? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। और तुम अंदर कैसे आए? क्या सुना तुमने? क्या देखा? बोलो। यही सुना कि दानिश की मौत के बाद बहुत लोगों का फायदा हुआ यहां पर। यू वरुण, अच्छा हुआ तुमने दरवाजा खुला छोड़ा। मुझे लग रहा था कि यहाँ ऐसा ही कुछ होने वाला है। मैं से तो इसे डरा रहा था। मेरी और पापा के बीच में पैसे के बारे में बातचीत हुई थी, एक डील हुई थी। तुम चाहो तो मैं किसी को नहीं बोलूंगा। इफ यू नीड मनी, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। हाँ हाँ हाँ, अब तो कीमत तो वसूलना पड़ेगा आपसे। किंतु अदालत ने दानिश और मेघना की मौत की कीमत। मैंने दानिश को मारा, मैंने दानिश को नहीं मारा। मुझे फंसाया जा रहा है और तुमने तो रोकी। रॉकी निर्दोष है, ये तुम भी जानते हो। अब शिप्रा के बयान और इस सबूत के मिलने के बाद ये बात अदालत को समझाना भी बहुत आसान हो गया। मिस्टर स्मिथ एंड वेसन, पॉइंट 38 अनलाइसेंस्ड ही होगा। कहीं इस गम में अपने आप को मार लिया तो इल्जाम मुझ पर आ जाए। अरे वरुण, रंगे हाथों पकड़ा उसे सर। कल देखते हैं कोर्ट में कैसे बचता है वो। कि इस वीडियो की वजह से तुम ये केस जानबूझकर हारे?
जी योर ऑनर, वहां बैठी शिप्रा देसाई को बचाने के लिए। और अब मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं कटघरे में खड़े मेरे निर्दोष मुवक्किल रॉकी को बचाऊं। वास्तव में योर ऑनर, हत्या के समय ये रेड चैनल की लॉबी में ही थे। लेकिन मिस्टर पाठक, तुमने तो खुद माना था कि रॉकी बाथरूम में था। जी, मैंने स्वयं सुरक्षा कर्मी तेज बहादुर के सेल फोन का समय 20 मिनट पीछे किया था योर ऑनर, ताकि मैं जानबूझकर अपने पक्ष को झुठला सकूं। मिस्टर पाठक, इस नई दलील को सच कैसे साबित करोगे? हम ये कैसे मान लें कि तुम ही ने उस सेलफोन का टाइम बदला था? हम ये भी कैसे मान लें कि रॉकी बाथरूम की खिड़की के बाहर केबल पकड़कर नहीं उतरा था, जबकि मिस्टर पाठक उस खिड़की के बाहर वाकई ही केबल है? मिस्टर पाठक, तुम अपने ही बुने हुए जाल में खुद फंस गए। अब रॉकी की बेगुनाही का कोई नया और ठोस सबूत पेश करना होगा अदालत में तुम्हें। मिस्टर भल्ला, आपके इस मार्गदर्शन के लिए आपका आभार मानता हूं। अगर आप अनुमति दें तो अपने मुवक्किल को निर्दोष साबित करने के लिए मैं असली हत्यारे के विरुद्ध प्रमाण पेश करूं। बाय ऑल मीन्स मिस्टर पाठक। धन्यवाद भल्ला साहब। योर ऑनर, ये वो रस्सी है जिससे शिप्रा देसाई को बांधा गया था। ये कठपुतली रैम्बो इस कहानी का सूत्र था। और ये सारी वस्तुएं प्रोड्यूसर समर अरोरा के घर से बरामद हुई। इतना ही नहीं योर ऑनर, शिप्रा देसाई ने अपने कथन में अदालत को बताया है कि उन्हें भी समर अरोरा पर ही संदेह है। मिस्टर पाठक, लेकिन समर अरोरा तो मर चुका है। जी योर ऑनर, पकड़े जाने के डर से उन्होंने अपने आप को गोली मार दी। ये तुम कैसे कह सकते हो केडी? क्या तुमने समर को आत्महत्या करते हुए देखा? जी नहीं, मैंने उसे आत्महत्या करते हुए नहीं देखा, लेकिन उस समय उनके घर पर ऐसा कोई उपस्थित नहीं था जो उन्हें गोली मार सके। क्यों? तुम तो वहीं थे ना? और वो तुम्हारा असिस्टेंट, क्या नाम है उसका, वरुण, वो भी तो वहीं था? आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर भल्ला? योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त समर अरोरा को दानिश नागरानी के कत्ल में दोषी ठहराकर रॉकी सिन्हा को बचाना चाहते हैं। लेकिन योर ऑनर, मुझे शक है कि समर अरोरा शिकारी नहीं बल्कि खुद शिकार बना है। इसलिए मैं अदालत के सामने सच्चाई पेश करना चाहता हूं और बैलिस्टिक एवं फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर आहूजा को बुलाकर। इजाजत है। डॉक्टर आहूजा, क्या आप भी यही मानते हैं कि समर अरोरा ने सुसाइड किया था? जी मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन यूजुअली सुसाइड शॉट्स यहां पर और मुंह के अंदर किए जाते हैं। लेकिन एक बात श्योर है, गन का एंगल ऊपर ही होता है। और बैलिस्टिक रिपोर्ट के अनुसार भी समर अरोरा ने ऐसे किया होगा। जी हाँ, सुसाइड केसेस में गन की नली को शरीर पर लगाकर चलाया जाता है, जिससे शरीर पर गन पाउडर के बर्न के निशान हो जाते हैं। वैसे ही निशान मिस्टर समर अरोरा के सर और बालों पर पाए गए थे। तो फिर प्रॉब्लम क्या है डॉक्टर आहूजा? प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल। भले ही मिस्टर समर अरोरा के उंगलियों के निशान उस गन पर पाए गए जो मिस्टर समर अरोरा के दाहिने हाथ में मिली थी, लेकिन प्रीवियस हिस्ट्री और मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से मिस्टर समर अरोरा लेफ्ट हैंडेड थे। वो अपने बाएं हाथ से काम करते थे। और जाहिर है कि लेफ्ट हैंडेड इंसान राइट हैंड से गोली क्यों चलाएगा? इसलिए ऑनर, मेरे हिसाब से यह सुसाइड नहीं बल्कि एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। डॉक्टर आहूजा, विश्व में कुछ लोग लिखने के लिए अपने दाएं हाथ का प्रयोग करते हैं, कुछ लोग बाएं हाथ का, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उतनी ही सरलता से दोनों हाथों का प्रयोग करते हैं। क्या यह सही है? वेरी ट्रू, हमारी भाषा में इसे एम्बिडेक्स्ट्रस कहते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने प्रकाश, एम्बिडेक्स्ट्रस यानी कि उभय हस्त। योर ऑनर, लिखावट करने के लिए दोनों हाथों का प्रयोग करने वाले। समर अरोरा ने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर स्वयं यह लिखा है कि वो उभय हस्त थे। अब डॉक्टर आहूजा,
क्या यह संभव है कि समर अरोरा ने अपने अपराध के लिए पकड़े जाने के डर से अपने आप को गोली मारी हो? इट इज पॉसिबल। कुछ और पूछना चाहेंगे मिस्टर वाला? जी नहीं, डॉक्टर आहूजा आप जा सकते हैं। डॉक्टर आहूजा रुकिए। योर ऑनर, मैं डॉक्टर आहूजा से चंद प्रश्न और पूछने की अनुमति चाहता हूं। इजाजत है। धन्यवाद योर ऑनर। डॉक्टर आहूजा, मैंने ऐसा कहीं पढ़ा था कि इतने निकट से गोली चलाने पर गोली की विस्फोट के कारण, बारूद की बौछार के कारण उंगलियों के आसपास की चमड़ी पर बारूद के निशान पड़ जाते हैं, थोड़े जल से जाते हैं, क्या यह सही है? ये बिल्कुल सही है, लेकिन मिस्टर समर अरोरा के उंगलियों पर ऐसे कोई निशान पाए नहीं गए। मिस्टर अरोरा की उंगलियों के आसपास ऐसे कोई निशान नहीं थे। और ऑनर एक और प्रश्न डॉक्टर आहूजा, समर अरोरा ने अगर यहां दाहिनी तरफ से गोली चलाई तो उनका शरीर किस तरफ गिरना चाहिए? लेफ्ट साइड पर। अपनी बाईं तरफ गिरना चाहिए था उन्हें, लेकिन वो सामने की तरफ मेज पर गिरे, क्या ये संभव है? ये संभव नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ योर ऑनर कि किसी ने समर अरोरा पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली चलाई, गोली चलाने के बाद गन उनके हाथ में थमाई और फिर उनके शरीर को आगे की तरफ मेज पर ढकेल दिया। दैट मीन्स योर ऑनर कि प्रोसिक्यूशन की दलील 100% सही है, आत्महत्या नहीं हत्या है। और यदि ऐसा है तो हत्यारा अब भी जिंदा है और फरार है। ऑर्डर ऑर्डर। मेरी तरह तुम्हारा शक भी सही है केड़ी, हत्यारा जिंदा है और इसी अदालत में मौजूद है। उसका नाम है मिस्टर रॉकी सिन्हा। रियली? तो भल्ला साहब, कृपया कर ये भी बता दीजिए कि मेघना सामंत और समर अरोरा का हत्यारा कौन है, क्योंकि उस समय तो रॉकी सलाखों के पीछे था। वो एक अलग केस है केडी, इसका दानिश नागरानी के मर्डर से कोई संबंध नहीं। संबंध है यार ऑनर, और इस बात की पुष्टि मैं भले ही इस समय ना कर पाऊं, लेकिन अदालत की अगली सुनवाई तक अवश्य करूंगा। कोई इस मामले को कठपुतली की तरह नचा रहा है यार, बस उसकी डोर मेरे हाथों में आना बाकी है और उसके बाद ये खेल खत्म। ये अदालत अगली तारीख तक मुलतवी की जाती है। समर और मेघना की हत्याओं से पहले मुझे दानिश की हत्या सुलझानी पड़ेगी। उन अंतिम पलों में ऐसा क्या हुआ होगा जिसके कारण दानिश ने मरने से पहले रॉकी का नाम लिया? व्हाई? मैं देखती हूं। अरे दरवाजा ठोकना बंद करो। ठोकना नहीं मिसेस बिलमोरिया, दरवाजा खटखटाना। दरवाजा खटखटाया खटखटाया जाता है। केडी वॉचमैन था, नीचे एक बच्चा तुम्हारे लिए ये सीडी छोड़कर गया था। नमस्कार, स्वागत है आपका रैम्बो और उसके मौत का खेल में। भाग तृतीय। घबराओ मत केडी, मैं पुलिस की कैद से भागा नहीं हूँ। शिप्रा ने एक नहीं दो रैम्बो के पपेट्स बनाए थे, मैंने दोनों चुरा लिए थे उससे। मैं दूसरा वाला रैम्बो हूँ। मान गया तुम्हें केडी, तुमने पता लगा लिया कि समीर को मैंने मारा था, लेकिन ऐसा करके तुमने मेरी जान फिर मुश्किल में डाल दी। तुमने रॉकी का केस हारा और मैंने शिप्रा को जाने दिया, लेकिन अब अपने अगले शिकार को नहीं जाने दूंगा केडी पाठक। और इस बार शिकार कोई पराया नहीं, तुम्हारा अपना है। जानना चाहते हो आज वरुण ऑफिस क्यों नहीं आया? ओ खुदा है। केडी सर, आप मेरी फिक्र बिल्कुल मत कीजिए।
केडी, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चांस लेना चाहोगे केडी? नहीं ना, तो फिर वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ। कल तुम्हें अदालत में रॉकी का केस हारना ही नहीं है, उसके साथ अपना भविष्य भी हारना है। समर अरोरा के कत्ल का इल्जाम अपने सर लेकर लगाना जोर का झटका, लेकिन ये झटका उस झटके के सामने कुछ नहीं है जो तुम्हें मिलेगा मेरे अगले सीडी के साथ, जिसमें वरुण की लाश के टुकड़े मिलेंगे। केटी, अब तुम क्या करोगे? अगर तुम पुलिस में गए तो ये वरुण को मार देगा, और अगर ये पपेट की बात माने और वरुण को बचा दिया तो तुम जेल पहुंच जाओगे, लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट। अभी एक ही रास्ता बाकी है मिसेस बिलबोरिया, वो हत्यारा कुछ और करे उससे पहले कल अदालत में मुझे उसे गिरफ्त में लेना होगा। केवल वरुण को ही नहीं, रॉकी को भी बचाना होगा। There's no other way. So, Mr. केडी पाठक, क्या आप अब तक हुए तीन कत्लों के बीच की कड़ी को जोड़ पाए हैं? जी योर ऑनर, और मैं ये भी जान चुका हूं कि इस कठपुतली की डोर किसके हाथों में है, और वो मेरा मुवक्किल रॉकी नहीं है योर ऑनर, कोई और ही है। योर ऑनर, इसीलिए मैं रॉकी को न्याय दिलाने का यह प्रयास सुप्रीम कोर्ट तक नहीं छोड़ूंगा। क्षमा कीजिए योर ऑनर। ये वरुण को बचाना चाहते हो तो केस के साथ अपना करियर भी। जैसा कि मैंने सोचा था, वो यही है और सब देख रहा है। कौन केडी, किसकी बात कर रहे हो तुम? बल्ला साहब, ऊपर वाला, और जब तक वो है इस अदालत में अन्याय हो ही नहीं सकता। समय आ चुका है योर ऑनर कि मैं इस केस की पुष्टि करूं, सबसे पहले उस व्यक्ति का नाम जिसने समर अरोरा की हत्या की। किसने? मैं नहीं हूं। ये तुम क्या कह रहे हो गेडी? समर अरोरा ने जब मेरे सहायक वरुण पर गन तानी तो गन छीनने के चक्कर में हमारी झड़प हो गई, उस झड़प में गोली चल गई और दुर्भाग्यवश समर अरोरा की मृत्यु हो गई। समर अरोरा को मैंने मारा है। मैं चाहता हूं यूरोन, अपना पक्ष प्रमाणित करने के लिए मुझे ये सेलफोन अदालत में लाना पड़ा। एक शब्द का संदेश आया है यूरोन, शाबाश, मुझे मेरी वार्ता के लिए बधाई दी जा रही है। ऐसा ही चाहता था, ऊपर वाला नहीं, असली हत्यारा। यूरोनर, असली हत्यारा चाहता था कि मैं रॉकी का केस हार कर समर अरोरा की हत्या का आरोप अपने सर लूं, नहीं तो वो मेरे सहायक वरुण को मार देगा जो इस वक्त उसके कब्जे में है। ऑर्डर, ऑर्डर। ये तुम क्या कह रहे हो गैडी? ये तुमसे किसने कहा? उसी ने योर ऑनर, जो इस समय अदालत में हमारे बीच उपस्थित है और इससे ज्यादा नुकसान करे उससे पहले
मैं उसका पर्दाफाश करना चाहूंगा। अनुपमा जी, अनुपमा जी एक बात बताइए, जिस समय स्वर्गीय दानेश नागरानी जी शौचालय के अंदर से अपनी जान की दुहाई दे रहे थे, आप शौचालय के द्वार के बाहर उपस्थित थी ना? जी। तो द्वार खोलकर अंदर जाकर उन्हें बचाने का विचार नहीं आया आपके मन में? जी आया था, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था तो बाहर से अंदर जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ना 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 ना, ना। भूल कर रही हैं आप, उस दिन दरवाजा अंदर से नहीं बाहर से ताला बंद था। बाहर से? योर ऑनर, जब मेरे सहायक वरुण ने उस शौचालय की छानबीन की, जांच पड़ताल की, तो पाया गया कि वो दरवाजा अंदर और बाहर दोनों तरफ से बंद हो सकता था, और उस दिन उस समय शौचालय का द्वार बाहर से बंद था। योर ऑनर, लेकिन केडी, दरवाजे को बाहर से किसने लॉक किया था? उसी ने भल्ला साहब, जो कुछ ही क्षण पहले दानिश जी की हत्या करके दरवाजे से बाहर निकला था। ये तुम क्या कह रहे हो केडी? दानिश ने तो कहा था कि रॉकी उसे मारने वाला है। हाँ, कहा था, कुछ और भी कहा था स्वर्गीय दानिश जी ने। याद करिए अनुपमा जी, क्या कहा था जी? वो कह रहे थे कि दरवाजा खोलो, उन्हें बाहर आने दो। अनुपमा जी, अगर आप भगवान न करे किसी शौचालय में बंद हो जाए तो क्या करेंगी आप? जी, मैं मदद के लिए चिल्लाऊंगी। मदद के लिए चिल्लाएंगी और? और दरवाजा खटखटाऊंगी, उसे खोलने की कोशिश करूंगी और बाहर आने की कोशिश करेंगी। तो क्यों अनुपमा जी, बताइए हमें कि स्वर्गीय दानेश जी ने ऐसा कुछ करने का प्रयास नहीं किया, सिर्फ चिल्लाते रहे अंदर, क्यों? केडी, हो सकता है कि उसके सीने में खंजर हो और वो खटखटाने की अवस्था में ना। भल्ला साहब, पुलिस के अनुसार स्वर्गीय दानेश जी की लाश शौचालय के द्वार के पास मिली। योर ऑनर, मैं पूछना चाहूंगा कि क्या उस समय स्वर्गीय दानेश जी इतने लाचार थे, इतने बेबस थे कि चिल्ला चिल्ला कर पुकार रहे थे लेकिन हाथ उठाकर दरवाजा खटखटा नहीं पाए? मान लिया खटखटा नहीं पाए, अरे इसे साबित क्या होता है? हाँ केडी, अचानक तुम ये दलील क्यों पेश कर रहे हो? वो इसलिए योर ऑनर, क्योंकि उस दिन मेरे कार्यालय में, मेरे ऑफिस में हुए खटखटाहट ने मेरे मन में सोए हुए प्रश्न को खटखटाकर जगा दिया कि अंततः क्यों स्वर्गीय दानेश नागरानी ने उस समय शौचालय का दरवाजा खटखटाया नहीं। केडी, तुम्हारी ये खटखटाहट अब मुझे खटक रही है। मरने के बाद दानिश की आत्मा मदद के लिए पुकार रही थी? जी नहीं भल्ला साहब, आत्मा नहीं, वो स्वर योर ऑनर एक जीवित व्यक्ति का था जो उस समय बाथरूम के बाहर था। क्या? इंसान बाहर और आवाज अंदर से? केडी, इट्स नॉट पॉसिबल। एब्सोल्युटली पॉसिबल भल्ला साहब। पाया वेंट्रिलोक्विज्म। वेद प्रक्षेप, पेट बोली की कला, जहां कोई व्यक्ति बंद होठों से आवाज निकालता है और देखने वालों को ऐसा लगता है कि वो आवाज कहीं और से आ रही है, गोद में बैठे हुए कठपुतली से, सामने बैठे हुए किसी और व्यक्ति के मुंह से, या फिर बंद बाथरूम के अंदर से ही। और लेकिन मुझे तो वेंट्रिलोक्विज्म बिल्कुल नहीं आता। निश्चिंत रहिए अनुपमा जी, मैं भली भांति जानता हूं कि वेंट्रिलोक्विस्ट असल गुरुद्वादी आप नहीं, कोई और है। योर ऑनर, रॉकी और शिप्रा भी नहीं हो सकते क्योंकि उस समय ये दोनों बाथरूम के आसपास भी नहीं थे। असल वेंट्रिलोक्विस्ट कोई तीसरा ही व्यक्ति है। योर ऑनर, 6 वर्ष पहले द ग्रेट वेंट्रिलोक्विस्ट एंड पपेटियर श्री रामदास अथर्वा के पास इन्होंने 11 महीने का कोर्स किया था। Am I right? पंकज चतुर्भुज, तो मिस्टर चतुर्भुज
सबसे पहले न्यायाधीश महोदय को बताइए कि आपने कब, कैसे, कहां, क्यों दानिश नागरानी जी को मारा, उसके बाद मेघना और समर की बात करेंगे। क्या कह रहे हैं आप, मैंने किसी को नहीं मारा। आप लगे हाथ ये भी बता दीजिएगा कि आपने मेरे सहायक वरुण को कहां कैद कर रखा है, बचाने जाना पड़ेगा उसे। कौन वरुण, आप किस वरुण की बात कर रहे हैं? मैं नहीं जानता किसी वरुण को। अच्छा, तो फिर आपने उसे जान से मार देने की धमकी एसएमएस द्वारा क्यों भेजी मुझे? कैसा मैसेज? यू कैन चेक माय मोबाइल फोन। देखिए, इसमें कुछ कोई मैसेज नहीं होगा। नहीं नहीं मिस्टर चतुर्भुज, मैं इस फोन की बात नहीं कर रहा, उस फोन की बात कर रहा हूं जो आपके गुप्त नंबर पर चलता है। क्या कह रहे हैं आप? इंस्पेक्टर दवे, जरा तलाशी लीजिए इनकी। हो क्या रहा है? धन्यवाद इंस्पेक्टर दुबे। ये संदेश जो आपने भेजा और ये जो मैंने पाया। योर ऑनर, मुझे नहीं लगता कि आपका अपराध सिद्ध करने के लिए मुझे और कोई साक्ष्य की आवश्यकता है। अब बताइए मिस्टर चतुर्भुज। हाँ, मैंने ही दानिश को, मैंने ही दानिश। उस दिन मीटिंग खत्म होने के बाद जब सब ने ब्रेक लिया तो फाइल लेकर दोबारा बोर्ड रूम में गया और दानिश नागरानी के साइन करने का बहाना लेकर वापस आया। फिर मैंने वेंट्रिलोकिज्म के द्वारा ऐसा जताया कि दानिश अंदर से मदद मांग रहा है। राइट, और फिर जब आपको लगा कि मैं रॉकी को बचा लूंगा तो आपने रैम्बो को चुरा कर मेरे साथ ये कठपुतली का खेल खेला। मैंने ही आपकी फाइल में मेघना से चुराए हुए टिश्यू पर नोट लिखकर छोड़ दिया था और अपनी आवाज रिकॉर्ड करके वीडियो सीडी आपको भेजी और मेघना को भी खत्म कर दिया और फिर शिप्रा को किडनैप किया। और उसको यह एहसास दिलाया कि मैं ही समर अरोड़ा। ये बताइए चतुर्भुज जी के समर अरोरा जी के घर आपने वो सारा सामान कब छिपाया आपने? जिस दिन मैं और अनु समर अरोरा से मिलने गए थे मैंने आपको देखा और आपके जाते ही अंततः आपने वरुण को अगवा कर लिया। वैसे कहां है मेरे सहायक इस वक्त? वो माहिम फोर्ट की खोली में 24 आजाद नगर। ये जो पूरा खेल खेला आपने, इसके पीछे कारण जान सकते हैं? बचपन से ही मैं वेंटिलॉक्स बनना चाहता था। मैं टीवी का सबसे पहला वेंट्रोक्लिज्म शो
स्टार्ट करना चाहता था, लेकिन इस रॉकी ने बाजी मार ली। मेरे बचपन का सपना तो तोड़ा ही, साथ में मेरा प्यार भी। जब किसी भी चैनल ने मुझे कोई भी शो देने से इनकार कर दिया तो उसने मुझे बेकार समझकर मुझको छोड़ दिया और कहीं और शादी कर ली। मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं इस रॉकी ने मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बर्बाद। थैंक यू फॉर द कन्फेशन मिस्टर पंकज चतुर्भुज। द डिफेंस रेस्ट्स योर ऑनर। यह अदालत पंकज चतुर्भुज को दानिश नागरानी, मेघना सामंत और समर अरोरा के कत्ल में दोषी पाते हुए ताज़ीरात-ए-हिंद दफा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाती है और मिस्टर रॉकी उर्फ रणदीप सिन्हा पर से सारे इल्जाम दूर करके उन्हें बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज। बहुत जल्द मुलाकात होगी केटी। अगर हो भला तो हो भला। अल्लाह या अल्लाह। अरे बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच केटी सर, एंड डबल थैंक यू। डबल क्यों? क्योंकि आपने मेरे साथ साथ मेरे रैम्बो की भी जान बचाई। तुम्हारा पार्टनर? यस। अरे अब तो मुझे तुम्हें तुम्हारे पार्टनर से मिला देना चाहिए।